और बिहार की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 18% है। राज्य में 91% किसान है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.5 गुना है। इस प्रकार बिहार की खेती में करने वाले परिवारों में सीमांत किसानों तथा कृषि मजदूरों की जनसंख्या अधिक है। बिहार में फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसी परिक्षेत्र में कृषि के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 8 से 12 तक प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया। प्रथम कृषि रोड मैप के फलस्वरूप बिहार ने वर्ष 12 से धान की 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, आलू के 729 प्रति हेक्टेयर क्विंटल का उत्पादन विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और चावल की प्रति हेक्टेयर अंदाजा राष्ट्रीय औसत आगे चला। लीची और मखाना के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। आम और अमरूद के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे देश में भिंडी बैगन आलू के उत्पादन में राज्य का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में उगाई जाने वाली सब्जियों में फूलगोभी, बंद गोभी, टमाटर, परवल आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। शहद तथा मशरूम उत्पादन किसी रोड में वर्ष 12-17 के फलस्वरूप काफी आसादित वृद्धि हुई है। सब्जियों के लिए एक वेजिटेबल इंसरियट और फसल कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य में उद्यान विकास का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता पर बहुत सामग्री उत्पादन करना है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को अंशु रखने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के कार्यक्रम में अनुभव भविष्य में कृषि की आवश्यकताओं को देखते हुए कृषि रोड मैप 17 से 22 में राज्य में जैविक खेती हेतु गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों, राष्ट्रीय सड़क के दोनों तरफ बनने वाले गांवों का चयन कर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है, जिससे किसान यहां जैविक खेती से खेती कर सके। राज्य में किसी उपज की खरीद बिक्री और सीधे किसानों और व्यापारियों द्वारा की जा रही उत्पादों का बाजार शुल्क भी अधिसूचित नहीं किया जा रहा है और व्यापारियों का व्यापार से संलग्न किसी कर्ता को कृषि उपज कार्य के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। सभी 54 बाजार प्रांगणों के संरचनाओं को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ और सुव्यवस्थित की जा रही है। युवाओं, विशेषकर ग्रामीण युवाओं को कृषि रोड से जोड़ने तथा कृषि आधारित लाभकारी योजना पैदा करना कृषि रोड मैप का एक महत्वपूर्ण है। इस तरह तेजी से सतत समावेशी विकास को प्राप्त करने और दूसरी तरफ ग्रामीण युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए सब रोजगार के अवसर प्रदान करने के कौशल विकास महत्वपूर्ण है। आज के किसान समागम में आने के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें दें। आपके सुझाव से हम एक समय की तथा सुव्यवस्थित किसी रोड मैप तैयार करेंगे और वर्ष 17-22 का जो किसी रोड मैप तैयार होगा उसे कृषि के क्षेत्र में बिहार का कीर्तिमान स्थापित होगा। जय हिंद, जय बिहार, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तीसरा कृषि रोड मैप हेतु सुझाव के लिए आमंत्रित किए गए जिलों से वक्ता हमारे बीच उपस्थित है।